वेलकम डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। क्लास एट्थ में हम पढ़ रहे थे मॉडल्स। मॉडल्स में हम पढ़ेंगे मे का यूज। क्या पढ़ेंगे हम? मॉडल है मे, यूज ऑफ मे। मे का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है सकना। क्या होता है? सकना। इसका यूज किया जाता है संभावना के लिए। किसके लिए बेटा? संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए इसका यूज किया जाएगा। पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, मतलब संभावना। अब संभावना कैसे? जैसे कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश हो सकती है। इसी सेंटेंस को हम अगर बनाएं तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, सो इट मे रेन। मतलब क्या हुआ बेटा? कि आसमान में बादल छाए हुए हैं, इसलिए हो सकता है कि बारिश हो। जरूरी नहीं है कि बारिश हो जाए भाई, ऐसा होता भी है, बादल होते हैं, तो हर बार जरूरी नहीं है कि बादल हो रहे हैं तो बारिश होगी। संभावना है कि बारिश हो सकती है। अगला एग्जांपल अगर हम लें इसका ही, तो देखो द ट्रेन इज स्लो, द ट्रेन इज स्लो, सो इट मे गेट लेट। ट्रेन जो है काफ़ी धीमी चल रही है, ट्रेन जो है काफ़ी धीमी चल रही है, तो हो सकता है कि यह देरी से पहुँचे, यह लेट हो जाए। इसी में अगला इसका यूज किया जाता है फॉर्मल परमिशन के लिए। किसके लिए बेटा? फॉर्मल परमिशन के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। फॉर्मल मतलब औपचारिक। फॉर्मल मीन्स क्या होता है? औपचारिक। और परमिशन का मतलब आप जानते हो, अनुमति या आज्ञा, अनुमति या आज्ञा। फॉर्मल परमिशन के लिए हम किसका यूज करेंगे? मे का यूज करते हैं। जैसे हम बोलते हैं क्लास में अंदर जाते समय, मे आई कम इन सर, बोलते नहीं बोलते हैं? तो हम परमिशन ले रहे होते हैं उस समय, वो है जो परमिशन है हमारी, फॉर्मल औपचारिक परमिशन होती है। इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? मॉडल मे का यूज करते हैं। जैसे मे आई यूज योर पेन सर, कोई भी हो सकता है, सर, अंकल, फादर, तो उसके लिए हम किसका यूज कर रहे हैं? मे का यूज कर रहे हैं। मे आई यूज योर पेन सर, तो अनुमति के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? मे का यूज करते हैं। आगे इसी का एक और यूज है आशीर्वाद के लिए। किसके लिए बेटा? आशीर्वाद के लिए, नंबर थर्ड पर इसका यूज किया जाता है, ब्लेसिंग्स के लिए, शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वाद के लिए। किसका यूज करते हैं बेटा? मे का यूज करते हैं। अच्छी कामना, आशीर्वाद, किसका यूज करेंगे? मे का यूज करेंगे, आशीर्वाद और अच्छी कामनाओं के लिए। किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते हैं। जैसे कि हम बोले युग युग जियो बेटा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करें। मे यू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, इन योर लाइफ। इस प्रकार से हमारा जो मॉडल है मे हो चुका है। अगला मॉडल हम पढ़ते हैं शुड। शुड का प्रयोग किया जाता है सलाह या सुझाव के लिए। शुड का यूज किस लिए किया जाता है? सलाह या सुझाव के लिए। अगला मॉडल है हमारा शुड, यूज ऑफ शुड। शुड का जो अर्थ होता है वह होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। सलाह या सुझाव के लिए हम शुड का यूज
करते हैं, जैसे पहला यूज इसका एडवाइस या सजेशन के लिए। एडवाइस मतलब सलाह और सजेशन मतलब सुझाव। किसका यूज करेंगे? शुड का। एग्जांपल हम करते हैं, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, आपको अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। किसका यूज किया बेटा? शुड का। यू शुड वर्क हार्ड, आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। किसका यूज किया है? शुड का यूज किया है। आगे हम बात करते हैं वुड। अगला मॉडल कौन सा ले रहे हैं बेटा? वुड का यूज करेंगे हम। किसका? वुड का यूज करेंगे। वुड का यूज किया जाता है बेटा ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए। किसके लिए? ऑफर या रिक्वेस्ट के लिए किसका यूज करते हैं हम? वुड का यूज करते हैं। ऑफर में क्या होता है? प्रस्ताव। और रिक्वेस्ट में क्या होता है? निवेदन। किसका यूज करते हैं प्रस्ताव और निवेदन के लिए हम? वुड का यूज करते हैं। एग्जांपल अगर हम लें तो क्या होगा? वुड यू लाइक, एग्जांपल ले रहे हैं बेटा इसके हम, वुड यू लाइक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करोगे? अगला एग्जांपल, वुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या आप मेरी मदद करोगे? उसके बाद में हम अगला मॉडल लेते हैं, विल और शैल। कौन सा मॉडल लेंगे हम? विल और शैल। हाँ, अगला मॉडल हम ले रहे हैं विल और शैल। देखो टेंस में हम क्या करते हैं? आई वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। टेंस में हम क्या करते हैं? आई वी के साथ में शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन मॉडल के रूप में अगर हम विल या शैल का प्रयोग करेंगे तो आई वी के साथ में पहला यूज किया जाएगा इसका, आई और वी के साथ में दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। दृढ़ निश्चय शो करने के लिए, दर्शाने के लिए, दर्शाने के लिए किसका यूज करते हैं बेटा? आई सॉरी विल का यूज करेंगे। देखो टेंस में विल का यूज करते हैं। टेंस में तो हम क्या करते हैं? आई वी के साथ में शैल का यूज करते हैं। लेकिन मॉडल के रूप में आई वी के साथ में अगर विल का प्रयोग कर रहे हैं हम तो वह डिटर्मिनेशन को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा? डिटर्मिनेशन को दर्शाएगा। प्रॉमिस यानी कि वायदा, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस को भी दर्शाएगा। किसको? प्रॉमिस को भी यह दर्शाएगा, वायदा। एग्जाम्पल अगर हम लें तो क्या, देखो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपकी मदद करूँगा। आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। यहाँ पर विल जो है दृढ़ निश्चय को दिखा रहा है, मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं आपकी मदद करूँगा। ही विल पास इन माई एग्जाम, यानी मेरी परीक्षा में वह पास होगा, मुझे विश्वास है, उसने मैंने वादा किया है उससे कि वह पास जरूर होगा। आगे हम बात करते हैं शैल की। अगर ही शी इट दे कोई भी नाउन है, उनके साथ में यदि हम, हाँ ही
सी एट दे कोई भी नाम यदि इनके साथ में के एक यू और है इसमें बेटा यू यू आदि के साथ में आदि के साथ में सेल का प्रयोग दृढ़ निश्चय और प्रॉमिस के अर्थ में किया जाता है के अर्थ में किया जाता है। एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल हम करेंगे देखो माई अंकल सेल गिव मी ए वॉच माई अंकल सेल गेव मी ए वॉच ऑन माई बर्थडे सेल क्या है यहाँ पर मॉडल है और अंकल ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरे जन्मदिन पर मुझे मेरे लिए क्या देंगे एक घड़ी देंगे ही शैल गेव मी 100 रुपीज वह मेरे लिए 100 रुपये देगा। आगे हम बात करते हैं एक और मेडल मॉडल हमारा रह रहा है मस्ट कौन सा मॉडल रह रहा है हमारा मस्ट वो पढ़ेंगे अब हम मस्ट मस्ट का अर्थ भी चाहिए ही होता है क्या होता है चाहिए इसका अर्थ बाध्यता के अर्थ में किया जाता है इसका प्रयोग बाध्यता के अर्थ में किया जाता है इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में थैंक यू।